ज़्यादा है, दैट इज़ कि रात में बच्चा दूध पी रहा है एंड देन शी स्लीपिंग, जीवा इज स्लीपिंग. सो क्या हो रहा है कि दूध पूरे ऊपर मैक्सिलरी यानी ऊपर के जो दांत है उस पर दूध पूरा चिपका हुआ है. हेलो एवरीवन, जीवा को कल चोट लगी थी और फिर से उसे पुराने दांत पे ही, इसलिए डॉक्टर के पास लेके आया उसको. डॉक्टर मैम ने चेक किया और बताया कोई डरने की बात नहीं है. इसी सिलसिले में आज डॉक्टर मैम से बहुत अच्छी बातें हुई. उन्होंने सभी पेरेंट्स को बताया कि बच्चों के साथ कैसे रिएक्ट करना चाहिए, अगर दांत टूट जाता है तो क्या करना चाहिए, या फिर आप बच्चों को टीथ क्लीन कराते हैं तो कैसे कराना चाहिए, या आपका बच्चा बॉटल से फीड कर रहा है तो कब तक और कैसे फीड कराना चाहिए. ये सारी जानकारी लास्ट तक दी हुई है. आप लोग पूरा ब्लॉग ज़रूर देखें और ये जानकारी ज़रूर सुने जिससे सभी पेरेंट्स को मदद मिल सके. लेकिन इफ शी कंप्लेंस, अगर वो आगे कंप्लेन करती है कि मुझे पेन हो रहा है, खुद से मामा मुझे पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है या स्वेलिंग आती है, तो फिर आप उसको तुरंत ओके थैंक ओके. देखो ये बताओ, आपको लिप्स में पेन हो रहा था कि आपको टीथ में पेन हो रहा था? दोनों में पेन हो रहा था. ज़्यादा किस में हो रहा था, लिप में या टीथ में? लिप में. उनको मुझे ऐसे ही लग रहा है कि उनको लिप में टीथ में, जिसके कारण से शी इज़ लाइक उसको पेन हो रहा है. अच्छा मैम, जैसे ये अभी बॉटल से फीड करती थी तो क्या बच्चों को कितने ईयर तक बॉटल से फीड करना चाहिए? बॉटल से देखिए, सबसे फर्स्ट थिंग तो मैं ये रिकमेंड करूँगी आपको कि आप इनको मतलब बच्चों को ब्रेस्ट फीड ही कराना चाहिए. अगर जो बच्चे ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो उनको जिनको बॉटल फीड करना पड़ रहा है उनको 1 ईयर एट मैक्स 1.5 दैट्स इट, उसके बाद उनका बॉटल फीडिंग छुड़वाना चाहिए. उसका मेन कारण ये है कि वो जो एज है उस नहीं उसका मेन रीज़न ये है कि उसका वो जो एज है उस टाइम पे बच्चे इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं चेंज को. जब बच्चे 3 ईयर्स 4 ईयर्स हो जाए उसके बाद इट इज़ नॉट वेरी इजी, वो लोग एडमिट होने लगते हैं, अपना एक्सप्रेस करने लगते हैं, एंगर शो करते हैं. तो इसीलिए पहली बात तो वो एज में बंद कर देना चाहिए. अच्छा क्यों बंद करना चाहिए, उसके पीछे कारण ये है कि अगर बच्चा कंटिन्यूस बॉटल फीडिंग करता रहेगा तो वो सबसे बड़े रिस्क पे है नर्सिंग बॉटल केरीज होने के चांसेस उसके बहुत ज़्यादा है. दैट इज़ कि रात में बच्चा दूध पी रहा है एंड देन शी स्लीपिंग, जीवा इज स्लीपिंग. सो क्या हो रहा है कि दूध पूरे ऊपर मैक्सिलरी यानी ऊपर के जो दांत है उस पर दूध पूरा चिपका हुआ है, नीचे के दांत पे कंपैरेटिवली नहीं होता. क्यों? क्योंकि अपने टंग और सलाइवेशन के कारण वो क्लीन होते रहते हैं नीचे के, लेकिन ऊपर का जो दांत है उसमें पूरा दूध चिपका होने के कारण नर्सिंग बॉटल केरीज हो जाती है. हालांकि जीवा इज़ वेरी लक्की कि उसको अभी तक केरीज नहीं हुई है, बट हाँ डेफिनेटली उसका आपको छुड़वाना चाहिए. सेकंड थिंग इज, अगर बच्चा कंटिन्यूसली बॉटल सक करेगा तो उसका जो मैक्सिला का डेवलपमेंट है वो बोन का जो फॉर्मेशन है वो चेंज होने लगता है, स्ट्रक्चर चेंज होने लगता है, जो मैक्सिला है वो थोड़ा प्रोट्रूड होने लगता है. तो इस कारण से ये एज में मुझे नहीं लगता बॉटल फीड कराना चाहिए, छुड़वाना चाहिए. और कोई जानकारी मैम ऐसा जो बच्चों छोटे बच्चों के लिए पेरेंट्स को दें आप या उनकी? मैं देना चाहूँगी कि ये अवेयरनेस एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि मेरे थ्रू जितने पेरेंट्स तक जाए वो जाना चाहिए. फर्स्ट सबसे फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि बच्चे को उठने के बाद तो हर कोई ब्रश कराता है, लेकिन सोने से पहले ब्रश कराना इज मैंडेटरी. एक्चुअली आप कैसे इनकल्केट कर सकते हो वो हैबिट, पहले खुद करें. बच्चे पेरेंट्स को देखते हैं, पेरेंट्स उनके रोल मॉडल होते हैं. जो पेरेंट्स करेंगे वो बच्चा करेगा. आप खुद करिए एंड देन उनको बताइए कि उसको करना है. दिन मॉर्निंग के टाइम पे आप करते हो ब्रश, ठीक है, हर कोई करता है. आप रह पाते हो बिना ब्रश के? नहीं रह पाते. वो हैबिट इनकल्केट हो जाती है. ऐसी हैबिट आपको इनकल्केट करना है अपने बच्चे में कि वो खुद आपको बोले कि मम्मा मुझे ब्रश करना है, मम्मा मुझे टंग क्लीन करना है. दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एंड अनदर थिंग व्हाट आई वांटेड टू से इज़ कि जब भी किसी बच्चे का किसी भी कारण से, जैसे मान लीजिए वो गिर गया हो, रोड पे गिर गया हो या घर में गिर गया हो, अगर उसका परमानेंट टीथ आ चुके हैं, जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट मिक्स डेंटिशन, मतलब 6 ईयर्स एंड ऑनवर्ड्स वाले जो बच्चे हैं उनके अगर परमानेंट टीथ आ चुके हैं और वो गिर जाते हैं और वो परमानेंट टीथ पूरा इंटैक्ट अगर निकल जाता है, तो प्लीज़ आप लोग तुरंत डेंटिस्ट को दिखवाइए और आपको वो टीथ को एक मीडियम में रखना है. आइदर इट शुड बी वाटर और इट शुड बी मिल्क. मिल्क में रख के आपको तुरंत डेंटिस्ट के पास आना है. वो टीथ आपका
फिर से ट्रांसप्लांट हो सकता है। अगर आप उसको लिक्विड मीडियम में ला रहे हैं तो कई पेरेंट्स ही गलती कर जाते हैं एंड देन इट लीड्स टू अ बिग लॉस कि वो लोग मतलब ये जो भी इंसिडेंट है ये होने के 5 से 7 घंटे बाद डेंटिस्ट के पास आते हैं और वो डायरेक्ट या तो टीथ लेके ही नहीं आते, या तो टीथ फेंक देते हैं या तो फिर वो ड्राई मीडियम में लाते हैं। तो ये चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी क्योंकि मैं ये चाहती थी कि ये सब पेरेंट्स तक ये बात जाए कि आप प्लीज़ उनको तुरंत डेंटिस्ट के पास लाइए और उसको लिक्विड मीडियम में आइदर मेड बी वाटर और कोकोनट सॉरी और मिल्क में लेके आए। ओके मैम, थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। उम्मीद करती हूँ सभी पेरेंट्स सुनेंगे अच्छे से इसे और फॉलो करेंगे अपने बच्चों के साथ में। थैंक यू सो मच।